हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। धमकीधारी जिलाधिकारी, इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। यह हाथरस के डीएम हैं, वायरल वीडियो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन उस वायरल वीडियो को लेकर के अब हाथरस के डीएम साहब की सफाई आई है। ये वीडियो वायरल जो हुआ था, सफाई ये है कि वो इन आरोपों का खंडन कर रहे हैं। डीएम का कहना है कि वो बस पीड़ित परिवार का सुख दुख बांटने गए थे, धमकी जैसी कोई बात स्वीकार नहीं कर रहे जिलाधिकारी। लेकिन वीडियो कैमरा जो है वो सच बोलता है, वो झूठ नहीं बोलता। आपको दिखाते हैं वो वीडियो जो वायरल है। तो मीडिया वाले में आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक जिलाधिकारी हूं और इसके नाते उनका सुख दुख बांटना मेरा कर्तव्य है। तो इसके लिए मैं आज उनसे मिलने गया था और डेढ़ घंटे तक लगभग मेरी उनसे बातचीत हुई थी और मैंने उनका यही जानने का प्रयास किया कि इनकी नाराजगी का क्या कारण है। लेकिन इस तरीके से नकारात्मक जो खबरें चलाई जा रही है उसका मैं खंडन करता हूँ। देखिए, मेरी जो परिवार से बातचीत हुई उस पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई और मैंने उनके पक्ष को आराम से सुना। उनके परिवार के सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे और जो शासन ने SIT की टीम बनाई है, आज लगभग 5-6 घंटे वो भी वहाँ पे गई है, उन्होंने भी जांच करी है और बस मैं उनकी समस्याओं को जानने के लिए गया था। सफाई तो दे दी धमकीधारी जिलाधिकारी ने, लेकिन अब आपको पूरी कहानी दिखाते हैं जिसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से सिर्फ हालचाल जानने के लिए जाने की बात करने वाले धमकीधारी जिलाधिकारी धमकी देते नजर आते हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है। तो मीडिया वाले में आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे। हम ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती के। आंगन में कुर्सी पर बैठकर पीड़ित परिवार को धमकाते ये हाथरस के DM प्रवीण कुमार है। मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी जल्दी बदल जाए कि नहीं। हम कह रहे हैं मीडिया वाले आज हैं कल नहीं रहेंगे। एक बार फिर सुन लीजिए DM साहब का ये अंदाज। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले में आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात। तो हम आपके साथ खड़े हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी जल्दी बदल जाए कि नहीं। हम बयान बदलने को लेकर जिले के सबसे बड़े अधिकारी खुल्लम खुल्ला पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। अब आपकी इच्छा, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी जल्दी बदल जाए कि नहीं। हम गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद पूरे गांव में पहरा लगा देने वाले DM प्रवीण कुमार का ये नया रूप सामने आया है। हाथरस गैंगरेप केस में जिला प्रशासन अपनी करतूतों पर लीपा पोती करने में जुटा हुआ है। पीड़िता की भाभी का भी एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने DM प्रवीण कुमार की पोल खोल दी। यहाँ पे बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता, ये सब धमकियाँ मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है, ये बोलना कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, अगर सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी की उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है। जो उस टाइम में वो हालात ऐसे थे, जो मन में आ रहा वो सब लोग बोले जा रहे हैं, यही सब करके अब ये लोग हमें यहाँ रहने नहीं देंगे। ये DM बहुत ज्यादा ही चालबाजी कर रहे हैं, हम लोगों के साथ में इतना प्रेशर डाल रहे हैं जबरदस्ती कि हम लोगों ने तुम्हारे इतने लोग तुम्हारे बात का कोई भरोसा नहीं है, तुम जबरदस्ती बयान बदल रहे हो, तुम तो कौन भरोसा, पापा को बुलवा रहे बयान बदलने से तुम्हारी कोई वो रहेगी, हम लोग दूसरी जगह चले जाएंगे। सुना आपने, अब DM पीड़ित परिवार पर ही दबाव बना रहे हैं, DM पीड़ित परिवार को धमका रहे हैं। बोल रहे हैं कि तुम्हारी लड़की अगर कोरोना से मर जाती तो मुआवजा मिल जाता, ये सब धमकियां मिल रही हैं, पापा को धमकाया जा रहा है, ये बोलना कि केस मतलब रफा दफा हो जाएगा, सब केस रफा दफा हो जाएगा, ये सब वीडियो दिखा देंगे, मम्मी को उल्टी सीधी वीडियो बना रखी है।
गैंगरेप पीड़िता के शव को आधी रात में जलाकर पाप करने वाला प्रशासन नीचता के इस स्तर पर उतर चुका है कि परिवार को ही धमकाया जा रहा है। हाथरस की दलित बेटी जब 14 दिनों तक जिंदगी मौत से जूझ रही थी, उस दौरान परिवार के बयानों को लेकर डीएम अब धमकी देने पर उतर आए। आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, दो चार बजे कल जाएंगे, तो हम ही आपके साथ खड़े हैं।